ठीक है ना। देखो क्यों हाथ उठा, पता है द्रौपदी जब तक हाथ नहीं उठाएगा कृष्णा तब तक बेहतर नहीं है। एक दिन द्रौपदी कृष्ण से बोले प्रभु अब आने में इतने देर क्यों की। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले तुमने तीन से केवल मेरे को एक बार पुकारा, बोले ऐसे कैसे कह सकते हो, जब से दुशासन मेरे को पकड़ कर घिसेट कर ला रहा था तब से पुकार रहा था। बोले देखो द्रौपदी तुम सच सच बताओ, तू पहले क्या सोच रही थी, अरे पांच पांच पति ये दुशासन क्या कर लेगा, सर्वश्रेष्ठ गांधीधारी अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम नकुल सहदेव, हम भी ऐसे सोचते हैं क्या था, हमें सब दुनिया में रक्षा करेंगे, लेकिन विपत्ति का समय देखा ना कोई रक्षा करने वाले नहीं, वो सब संपत्ति को साथ थी। बोले अब कैसे हो, कब तक, बोले जब तक जेब में पैसा गया, पैसा गए सब गए, समझे, इसलिए दुनिया ऐसे है। इसलिए द्रौपदी कृष्ण कह रहे हैं, बोले देखो पहले तुम पतियों की तरफ देखे, मैं आधा रास्ता पर आकर वापस गया, मैंने जब देखा तुमको पांच पांच पति रखा करके मैं बीच में तुम उसको पास में फिर पास में आया था, फिर तुमने जब देखा पांच पांच पति सर नीचा करके बैठे हुए, फिर तुम सोच रहा था भूसा यहाँ पर कृपाचार्य भीष्म और श्री कृपाचार्य भीष्म बैठे हुए धृतराष्ट्र कितने कुछ बोलेंगे, वो भी सर नीचा करके बैठे हुए, फिर मैंने वापस गया एकदम पास में आकर वापस गया। बोले क्यों, बोले तू अपना कपड़े को खुद पकड़ कर रखे, मैं रक्षा करूंगी खुद, बोले तू जब खुद को रक्षा कर सकते मैं तेरे क्यों आया, लेकिन जब देखा तुमने सबका सहारा तुमने छोड़ दिए, हाथ उठा गए, हाथ उठाना मतलब क्या, तो ठाकुर जी तेरे सिवाय जगत में हमारा और कोई नहीं, इसलिए हाथ उठा दे, ठीक है ना। जब तुमने संपूर्ण रूप में सरेंडर हो गए मेरे चरण में, फिर मैं स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, ठीक है ना। जब तक हाथ नहीं उठाओगे ऊपर तब तक ठाकुर नहीं आएंगे, हाथ उठा सकते हो कीर्तन करना, हाथ उठा हरि बोल हरि बोल। आज भी रज में